दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ, गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण है। लीजिए लिवोजन टॉनिक, इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। जस्टिन बीबर का बेबी सॉन्ग, संजय दत्त और आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर, पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 15वां एपिसोड, इन सब में क्या बात कॉमन थी? यही कि इन्हें यूट्यूब पर लाइक्स से ज़्यादा डिसलाइक्स मिले थे, मतलब इन्हें पसंद करने वालों से कहीं ज़्यादा संख्या इन्हें ना पसंद करने वालों की थी। अपने यूट्यूब वीडियोस पर ऐसी ही डिसलाइक्स की बाढ़ झेलने वाले अब थोड़ा सुकून महसूस कर सकते हैं। दरअसल यूट्यूब एक नया प्रयोग कर रहा है, इसमें लोग किसी वीडियो को डिसलाइक तो कर सकेंगे लेकिन कुल कितने लोगों ने उसे डिसलाइक किया ये सबको नहीं दिखेगा। YouTube वीडियोस पर लाइक और डिसलाइक के बटन क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए ताकि वीडियो देखने वाले इनके जरिए YouTube के साथ अपनी राय शेयर कर सकें, बता सकें कि उन्हें कैसे वीडियो देखना पसंद है, कोई वीडियो उन्हें अच्छा लगा या नहीं। वीडियो बनाने वालों के लिए ये बटन फीडबैक का काम करते हैं, इसके आधार पर वो कॉन्टेंट तैयार करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है जब डिसलाइक वाले बटन को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, कभी नापसंदगी के चलते तो कभी संगठित तरीके से किसी को निशाना बनाने के लिए डिसलाइक्स का रेला चला दिया जाता है। इस सब पर YouTube का क्या कहना है? YouTube ने अब नए प्रयोग के तौर पर डिसलाइक काउंट को छिपा दिया है। इसकी ओर से लाइक डिसलाइक वाली पट्टी की नई डिज़ाइन शेयर की गई है। इसमें लाइक बटन के नीचे तो काउंट दिखता है लेकिन डिसलाइक वाले बटन के नीचे कोई नंबर नहीं दिखता। डिसलाइक काउंट हटाने के पीछे YouTube का कहना है, व्यूअर्स का फीडबैक हमेशा से ही YouTube का एक अहम हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन हमने क्रिएटर से सुना है कि डिसलाइक काउंट का सार्वजनिक होना उनके उत्साह को प्रभावित कर सकता है, वीडियो पर डिसलाइक की मुहिम चलाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। इसी को देखते हुए हम ऐसा डिज़ाइन टेस्ट कर रहे हैं जिनमें डिसलाइक्स काउंट नज़र नहीं आएगा। हमारा मानना है कि इससे क्रिएटर्स का एक्सपीरियंस बेहतर हो सकेगा और साथ ही व्यूअर्स का फीडबैक भी मिलता रहेगा। YouTube का कहना है कि वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स YouTube स्टूडियो में जाकर अपने वीडियो के लाइक्स के साथ डिसलाइक्स भी देख सकेंगे। वैसे अभी ये सिर्फ प्रयोग के तौर पर टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में YouTube वीडियोस पर डिसलाइक काउंट दिखेगा या नहीं ये YouTube के इस एक्सपेरिमेंट के नतीजों पर निर्भर करेगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। Facebook पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।